हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो रेसिपी जोन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये क्रिस्पी सी कांदा भजी की रेसिपी। रेसिपी को पूरी तरह से देखिएगा क्योंकि इसके साथ हमने कुछ आपको सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी बताए हैं जिसके आपके जो भजिए हैं ये बिल्कुल होटल स्टाइल और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। जैसे मार्केट में एकदम से क्रिस्पी कांदा भजिया मिलते हैं उसी तरह से सेम हम आज भजिया बनाएंगे। जिसके लिए यहाँ पे चार बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और इसे कट करते वक्त इसका आगे का जो पोर्शन होता है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है ताकि ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। इस प्याज को स्लाइस करते वक्त हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है हमें। और अब इस प्याज में मैं डाल रही हूँ जायके के हिसाब से नमक, और इसी के साथ इसमें शामिल कर देते हैं आधा चम्मच इतनी हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक टेबल स्पून इतनी लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हाथों से अब ये जो मसाला और नमक है इसे हम प्याज पे अच्छे से लगा कर लेंगे। हाथों से हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से इस प्याज में हल्का सा एक मॉइस्चर तैयार होगा जिसमें हमें जो आटे हैं वो मिक्स करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन, हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डाल देना है ताकि इसका जायका और भी अच्छा है। और इसी के साथ इसमें हम कुछ आटे मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें जितना मॉइस्चर है उतना ही हम आटा यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हमें आटा यूज़ नहीं करना है। और इसमें हम एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेसन का आटा, तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून इतना डाला है बेसन का आटा। पहले हम इतना ही बेसन आटा डालेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आगे और इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून इतना गेहूं का आटा। मार्केट में जो हमें कांदा भजिए मिलते हैं उसमें ये गेहूं का आटा यूज़ किया जाता है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया। और इन सारी चीज़ों को इस तरह से हल्के हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें एक बूंद भी पानी यूज़ नहीं करना है, बस इस प्याज के मॉइस्चर में ही हमें ये आटा जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून इतना डाल रही हूँ बेसन का आटा। और इसे फिर से एक बार कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इस भजिए में गेहूं का आटा मिक्स करने से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच इतना बस खाने का सोडा। इससे ज़्यादा सोडा इस्तेमाल नहीं करना है हमें, बस इतना ही सोडा चाहिए था। और इसे फिर से एक बार कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये भजिए का बैटर बन चुका है, लेकिन इसमें हमें और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाना है। यहाँ पे मैंने भजिए के लिए ऑयल रखा था जो हल्का गर्म हो चुका है, और इसमें से 2 टेबल स्पून इतना ऑयल जो है वो मैं इस बैटर में डाल लेती हूँ। और इसे एक बार कर लेते हैं अच्छे से हाथों से मिक्स। और कढ़ाई में जब ऑयल अच्छे से गर्म होता है तब ये जो बैटर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम इसमें इस तरह से भजिए डाल देंगे। भजिए को हमें कोई शेप नहीं देना है, बस हल्का सा इसमें हमें इस तरह से बैटर उठाना है और इस तेल में डालते रहना है, क्योंकि कांदा भजिए को कोई शेप नहीं होता है। इस कांदा भजिए को बहुत सारे जगहों पर खेकड़ा भजिए भी कहा जाता है। इस भजिए के बैटर में हमने 2 टेबल स्पून इतना ऑयल मिलाया था, इससे ये भजिए और भी क्रिस्पी बनेंगे और ये ऑयल बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इसे एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों साइड से इस भजिए को गोल्डन कलर आने तक के अच्छे से कर लेना है फ्राई। ये अब फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं हम और कर लेते हैं सर्व। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस भजिए की रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।